हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस जो है वह आ गया है। और यह जो नोटिस है वह CGL एग्जाम 2021 का परीक्षा को लेकर के है। और इसमें आप जो देखेंगे वह खोटा लैंग्वेज से रिलेटेड है यह जानकारी। तो इसको मैं पूरी तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। तो जो चैनल नया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों को दिए जाते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके। तो यहाँ पर जो है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता तथा रही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 ऐसी सूचना है। आज का डेट देख सकते हैं 27 जनवरी 2022 का है। तो ये जो है आपका विज्ञापन संख्या 5/1/2021 झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत खोटा भाषा का पाठ्यक्रम को अब कुछ संशोधन किया गया है इसमें। तो इसी के बारे में है, यहाँ देख रहे हैं ये खोटा है। तो खोटा वाले जो स्टूडेंट हैं वो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, कुछ चेंजेस हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर खोटा है, इसमें है गद्य साहित्य है, इसमें आप देख सकते हैं छाईहर कहानी केवल कहानी है, लेकिन चितरंजन महतो चित्र है, ये सब तो आप लोगों को देख ही लेना है। सोंद माटी लेखक विनोद कुमार है, इसमें केवल तीन कहानी भाग से तीन कहानी है इसमें। और खोटा निबंध जो लेखक है BNR ओहदार है, इनको भी आप देख लेंगे। जो भी है यहाँ पे जानकारी उस सब को देख लेना है। यहाँ केवल तीन निबंध है, सोपटाए चले है, हामिन के संस्कृति, आर तकर ऊपर संकट, हामी खड़ा हो, ये सब सारी चीज़ें हैं। अजगर है वो विश्वनाथ धोंसी धसौंधी राज है। उसके बाद यहाँ पे आप पद्य साहित्य देख सकते हैं, यहाँ पे पद्य साहित्य में भी जो है वो सब बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर केवल 5 कविताएं जो कविता संख्या 1, 10, 22, 33 और 51 है, ये भी आपको देखना है। और खोटा काठे पदे खड़ी, ये सब सारी चीज़ें हैं, उनको आप लोगों को देखते हुए जाना है। और साहित्य की अन्य विधाएँ जीवनी संस्मरण यात्रा वृत्तांत है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को देख लेना है, ये सब से ही पूछेंगे आपको। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आया हुआ कि व्याकरण एवं खोटा पटबोध है, ये आप लोगों का नया ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था, लेकिन अब इसमें खोटा संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन काल कारक ये चीज़ें ऐड हुआ है, ये प्लस हो गया है। उसके बाद लोक साहित्य यहाँ पे मुहावरे और लोक साहित्य मुहावरे पहलियाँ हैं। इसके बाद में यहाँ पे विज्ञापन सरते हैं, बाद बाकी सब पूरा पहले के जैसे ही रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वह जो है व्याकरण यानी कि ग्रामर जो है वह ऐड हो गया है, और जिस हिसाब से और अदर लैंग्वेज का जो है सिलेबस उसमें ग्रामर भी था और उसके अलावा कहानी जो था वो सब तो सारी चीज़ें है ही। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि जो है ग्रामर वो ऐड हो गया है आपका, और बाद बाकी जो है सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ऊपर में जो है गद्य और पद्य वाले में, यहाँ पे गद्य और पद्य साहित्य वाला में थोड़ा सा कम हुआ है, और ऐड में हुआ है केवल ग्रामर यानी कि व्याकरण ऐड हुआ है। तो खोटा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे कि उनका जो है खोटा भाषा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको थोड़ा सा संशोधन किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट नोटिस है जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं उनको।